गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड-19 की के कारण जो आपकी स्टडी में ब्रेक लग गया है उसे कंटिन्यू करने के लिए और आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हम आज से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। माई नेम इज़ नवीन कुमार सुवर्णकर। मैं आज से आपको 5th क्लास की मैथ पढ़ाऊँगा। आज से हम हमारा जो फर्स्ट टेस्ट का जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स। नंबर्स आप जानते होंगे, नंबर्स क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर, 5 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, 15 एक नंबर है। इस नंबर में क्या है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ऐसे ये होगा 3 डिजिट। 3 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट होगी, 1, 2, 3। थ्री डिजिट में और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 5501294261143, कोई भी नंबर हो सकता है, 146। थ्री डिजिट में 3 डिजिट होंगे, 1, 2, 3। अब हम बात करते हैं 4 डिजिट की। 4 डिजिट में कैसे, 4 डिजिट में 1, 2, 4, 3। नंबर 4 डिजिट में कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे 4 डिजिट होगी, 2, 4, 6, 7। ये मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे 5, 6, 7, 8। ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4। इतना के लिए क्लियर है। आपने लास्ट क्लास में 4 डिजिट की वैल्यू देखी हुई है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वो होती है, मैं बताता हूँ, 9999। इससे बड़ी 4 डिजिट की वैल्यू कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9+1 10 का 0 कैरी 1 9+1 10 का 0 कैरी 1 9+1 10। एंड लास्ट ये है 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, और ये है 5 डिजिट की। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। इतना क्लियर है। आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये है और 5 डिजिट की ये है। इतना क्लियर है। एक बार बताओ, 2 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। 2 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी 9 एंड 9, क्योंकि 99 में मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 100 2 डिजिट की नहीं है, 100 3 डिजिट की हो गई। तो 2 डिजिट की कौन सी होगी, 99। 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी, 999। ये 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ये हम अभी बेसिक डिस्कस कर रहे थे। एक बार बताओ, आपने 2000 का नोट देखा है, 2000 का नोट देखा है, आपने देखा होगा, आपके पास है क्या, आपके पास नहीं है, आपके पापा के पास होगा। उसमें देखना 2000 ऐसे लिखा हुआ होता है, 2000, देखना 2000। ये क्या 2000। अब इसमें क्या है, ये 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4। इतना क्लियर है। ये है 2000। 1000 में कितनी जीरो आती है, 1, 2, 3। देखा आपने, आपने 500 का नोट देखा है, 500, 1, 2, 3। 500 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो, और कितने डिजिट होगा ये, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है जैसे कि 1s, उसे हम लिखते कैसे है? उसे लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000,
एंड 10,000. आपके इस चैप्टर में हम 5 डिजिट की वैल्यू देखेंगे, जिस वैल्यू में 5 डिजिट होगी. देखना इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5. अब हम जैसे कोई भी नंबर हम रीड करते हैं, तो जैसे ये कितना लिखा हुआ है आप बताओ, आप बता सकते हो ये कितना लिखा हुआ है. देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसे, 2, 4, 5, 542. इतना क्लियर है, 542. इसे रीड करके बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा हुआ है. 714. आप इसे रीड करके बताइए ये क्या लिखा हुआ है, बताइए. 873. ये होता है वंस, फिर ये टेंस, ये हंड्रेड, उसके बाद में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो वो जाता है थाउजेंड में. यहाँ पे मैं वन लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1873. इतना क्लियर है, ठीक है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. आप अपने नोटबुक में जो आपकी कॉपी है उसमें आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है. और जो मैं पहले मैंने लिखाया था 9999 इज लार्जेस्ट, उसे भी आपने नोट करना है. और हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे मैं इरेज कर देता हूँ. एट फाइव टू फोर ज़ीरो, कि हम जब किसी वैल्यू को हम रीड करते हैं तो हम उसे कैसे हमें रीड करना होता है, तो क्या होता है हम कैसे देखते हैं. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे. आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे और इस वैल्यू को देखेंगे कि इसके आगे कितने डिजिट है. 1, 2, 3, 4. कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4. तो 8 के आगे आप 40 लगा दो. मैंने लगा दी कितनी डिजिट, 1, 2, 3, 4. तो मैंने 40 लगा दी. उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस करना है. फिर ये नंबर देखिए इसके आगे कितने जीरो है, 1, 2, 3. फिर क्या करना है, 2 के आगे कितने जीरो है, 1, 2. कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 20. 4 के आगे एंड लास्ट 0. अब क्या होगा, ये जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले होता है वंस, ये है वंस, ये हो जाएगा टेंस. समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. ये 10,000 वाली वैल्यू है. तो क्या 10,000, ये 10 की जगह पर 80 लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे कितना है, ये 80,000. ये क्या है, 80,000. तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 80,000. सबसे पहले मैं लिखता हूँ 10,000. अब हम इसकी जो वैल्यू है उन्हें वैल्यू को लिखेंगे. ये कितना है 80,000, कितना थाउजेंड है, ये 80,000. ये कितना थाउजेंड है, ये है 5,000. हम प्लस कर देंगे इसमें 5, फाइव थाउजेंड. ये कितना हंड्रेड है बताइए, कितना हंड्रेड है, ये है 200 प्लस 240. वैसे आप फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हो, मैंने सुना है आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो,
तो आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जब आप इनको ऐड करो ना तो क्या करना है आपको, 1000 वाली वैल्यू को इसमें ऐड करना है। अगर 1000 दो बार आए ना तो 1000 वाली वैल्यू को ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है, 80 में हमें 5 भी ऐड करना होगा। 80 में मैं 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 80 प्लस 5 ये कितना हुआ, 81, 82, 83, 84, 85 कितना हो गया, 85। तो 1000 हमारे पास कितना आ गया, 85,000। अब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, जो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 85,000। एंड ये जो है ये ऐसे 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 लिख देंगे हम, 85,240 इतना क्लियर है। सबसे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो मैंने 40 लगा दिए। फिर 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो मैंने 30 लगा दिए। उसके बाद में 2 के आगे 2 डिजिट है तो 20, एंड 40 का 40 एंड 0 का 0। फिर क्या होगा, जो 1000 वाले हैं उन 1000 वाले नंबर को हमको ऐड करना है। यहाँ पे कितना 1000 है, 80,000, और ये कितना है, 5000। तो 80 में मैंने जब 5 ऐड किया तो कितना हो गया, 80 प्लस 81 82 83 84 85, तो कितना 1000 हो गया, ये 85,240। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आपके क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं सिंपल, आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिखे, देखिए ये भी हमको वैसे ही करना है। 5 लिखना है, फिर हमें देखना है 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 5 के आगे 1 2 3 4। फिर 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3। फिर इस वाले 8 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2। फिर 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 58845। अब हमें देखना है इस नंबर को, इस वैल्यू को हम एक्सटेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वैसे जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और फिर देखेंगे 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 40 यहाँ पर लगा लो, लगा लोगे क्या, ठीक है। फिर क्या करना है, 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 1 2 3। फिर इस वाले 8 के आगे 1 2, 4 के आगे एक डिजिट है तो 10, एंड लास्ट 5। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी उन्हें नोट करना है। अब ये क्या है, ये है वंस, वंस ये है टेंस, ये है 100 100 1000। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, थाउजेंड, एंड दिस टेन थाउजेंड। अब मैंने बताया कि हमें 1000 वाली और 10,000 वाली वैल्यू को ऐड करना है, तो ये कितना 1000 है, ये है देखिए 10 वाली वैल्यू कितनी है, ये है 50, तो मैं लिखता हूँ 50,000 और ये कितना 1000 है, ये 8000 बच्चों समझ में आ रहा है क्या,
8800 प्लस में 840 प्लस 5 क्या करना है इसमें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, हमें 1000 वाली वैल्यू को ऐड करना है। अब देखिए ये 50 में 8 ऐड करो, 50 में 8 कितना है, 8 इतना है क्या, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 कितना हो गया, ये हो गया 58। तो हमें 1000 वाली वैल्यू को हमें ऐड करना है, इसको और इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना हो गया 58। मैं लास्ट में आंसर लिख देता हूँ हमारा, फिफ्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड 45 ठीक है। आप ये नोट कर लो, ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे 1000 वाली नंबर कौन सा है, 10,000 वाला कौन सा है, 1000 वाला कौन सा है, 100 कौन सा है, 10s कौन सा है, 1s कौन सा है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखिए क्या करना है, हमें इस वैल्यू को हमें इस फॉर्म में लिखना है, प्लेस वैल्यू नंबर्स में। तो क्या होगा, आप अपने राइट हैंड से स्टार्ट करना, जो वंस है, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो हमें राइट हैंड से स्टार्ट करना है। वंस में हमें क्या लिखना है, इसमें से सबसे राइट वाली वैल्यू, तो क्या आएगा, ये आएगा 9, फिर क्या आएगा 6, फिर देखिए क्या है 7, फिर क्या है 8 एंड लास्ट 4। इसका मीन क्या है, 10,000 वाली जो वैल्यू है वो क्या है 4, 1000 वाली वैल्यू क्या है 8, 100 वाली क्या है 7 एंड 10s वाली वैल्यू कौन सी है 6 एंड 1s वाली 9। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो 1s वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी 0 एंड 10s वाली 5, फिर ये 0, फिर यहाँ पर 4 एंड 1। तो जब भी हम किसी नंबर को हमें एक्सटेंशन फॉर्म में लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले 10,000, 1000, 100, 10s एंड 1s। आप यहाँ से वैल्यू लिखना स्टार्ट करें। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, छोटा सा, आपको इन दोनों वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू को आपको इस फॉर्म में लिखना है, और जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ना, जो मैंने पूरा लिखा था कि फोर के आगे कितने डिजिट है, तो वो ज़ीरो लिख के फिर उसका नाम उस वैल्यू को लिख कर आपको पूरा लास्ट में उसे वर्ड्स में भी लिखना है। इन तीनों वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना है, बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।